हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमसीक्यू पुस्टा। एमसीक्यू पुस्टा में आज हम करेंगे बेस्ट 5 मिनट एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 31। अगर आप लोगों ने बाकी के पार्ट्स नहीं देख रखे हैं तो आप एमसीक्यू पुस्टा की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे बाकी के पार्ट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 गवर्न्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया? ऑप्शन सेक्शन 26A, बी सेक्शन 27A, सी सेक्शन 28A, डी सेक्शन 29A। तो इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 29A, जो कि डील्स करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। इलेक्शन कमीशन ने क्राइटेरिया सेटअप कर रखा है, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनती है न्यू पॉलिटिकल पार्टी के लिए, जिसको एलिजिबल होना पड़ता है एज अ रिकॉग्नाइजेशन एज अ स्टेट पार्टी। अगर उसको रिकॉग्नाइजेशन चाहिए एज अ स्टेट पार्टी, तो उसको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है और एलिजिबल होना पड़ता है। इट हैज़ टू सेटिस्फाई एनी ऑफ द 5 कंडीशन, इनमें से किसी भी कंडीशन एक कंडीशन पे उसको सेटिस्फाई होना पड़ता है, जैसे कि सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स ऑन असेंबली जनरल इलेक्शन। उसको 6% या तो वैलिड वोट लेना है और उसके साथ में उसको 2 सीट्स भी असेंबली जनरल इलेक्शन में जीतना पड़ेगी। अगर हम दूसरा देखें हो तो दूसरा जो लिस्टेड है वो है 6% वैलिड वोट चाहिए और उसके साथ 1 सीट चाहिए लोकसभा की। इन दोनों में से एक क्राइटेरिया हो गया, एलिजिबल हो जाती है पॉलिटिकल पार्टी एज अ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, या तो फिर विन एटलीस्ट 3% और टोटल सीट, जो भी टोटल सीट्स है उसका 3% सीट्स उनको जीतना पड़ेगी, या तो 3 सीट, जो भी विच एवर इज मोर वो काउंट किया जाएगा। अगर हम बात करें विन एटलीस्ट 1 आउट ऑफ 25 सीट्स फ्रॉम स्टेट इन लोकसभा जनरल इलेक्शन, या तो 25 सीट में से 1 सीट स्टेट में जीतना पड़ेगी लोकसभा इलेक्शन के लिए। सिक्योर एटलीस्ट 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट इन असेंबली और लोकसभा जनरल इलेक्शन। नेक्स्ट, चागोस आइलैंड अ स्मॉल आर्किपेलागो इज लोकेटेड इन? ऑप्शन से इंडियन ओशन, बी पैसिफिक ओशन, सी एटलांटिक ओशन, डी आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंडियन ओशन। ये बेसिकली आइलैंड जो है डिस्प्यूटेड आइलैंड है बिटवीन यूके और मॉरिशियस के बीच में, तो ये इंडियन ओशन में दिखता है हमें। ये देखिए, ये हमारा इंडियन ओशन है, यहाँ पे हमारा प्यारा भारत। अगर हम बात करें तो ये है चागोस आइलैंड जो यूके अभी अपने यूके के अंडर में है, प्लस ये है मॉरिशियस। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, मॉरिशियस जो गवर्नमेंट थी उसने यूके गवर्नमेंट को बोला है एज अ इलीगल कॉलोनियल ऑक्यूपायर आफ्टर इट इग्नोर यूएन का मैंडेट। क्या हुआ, यूके गवर्नमेंट को यूएन ने मैंडेट करा था कि एक डेडलाइन दी थी, उसके पहले मॉरिशियस को ये आइलैंड पूरा मॉरिशियस को सौंपना था, बट ये यूके गवर्नमेंट ने डेडलाइन निकल गई है पर रिटर्न नहीं करा है, तो इसी को लेके ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर इन 2019-2020 सीजन? अगर हम बात करें 2019-2020 के सीजन की, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर कौन है? ऑप्शन से ए चाइना, बी इंडिया, सी पाकिस्तान, डी इजिप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। हाल ही में इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ के वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर बना है 2019-2020 के सीजन में। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एस्टिमेट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, 3 मिलियन बेल्स ऑफ 28 मिलियन बेल्स। अगर हम बात करें बेल्स की, तो 1 बेल याद रखना, 1 बेल होता है 170 किलोग्राम का। नेक्स्ट, नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्राइब्यूनल एनक्लेट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर? ऑप्शन ए कंपनीज एक्ट 2013, बी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, डी कॉम्पिटिशन एक्ट 2010। इसका करेक्ट आंसर है कंपनीज एक्ट 2013। जो नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्राइब्यूनल है एनक्लेट, वो कॉन्स्टिट्यूट अंडर द सेक्शन 410 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में, जिसका फंक्शन है अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कंपनी एंड लॉ ट्राइब्यूनल विद अफेक्ट फ्रॉम द 1 जून 2016 से इफेक्ट में आ गया था। इट इज अपेलेट ट्राइब्यूनल फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द, ये एक ट्राइब्यूनल है जो भी ऑर्डर NCLT पास करता है उसके अंडर में सेक्शन 61 के अंडर में ये सुनता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, पावर ऑफ साइबेरिया हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर समटाइम्स प्राइमरी रिलेटेड टू, तो पावर ऑफ साइबेरिया किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है गैस पाइपलाइन लिंकिंग प्रोजेक्ट, बी आर्म्ड मिलिट्री एक्सरसाइज टू कॉम्बैट टेररिज्म, सी फॉर डेमोक्रेसी रिवॉल्ट इन साइबेरिया, डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गैस पाइपलाइन लिंकिंग है बिटवीन चाइना रशिया। तो ये देखिए, ये एक गैस पाइपलाइन लिंकिंग है मोस्ट रिमोट पार्ट्स ऑफ रशिया और चाइना की, ये देखिए ये है, और इसको हम पावर ऑफ साइबेरिया बोलते हैं। ये पूरा जो एरिया है लगभग 200 किलोमीटर।
नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया फर्स्ट मेरीटाइम म्यूजियम हैज़ बीन इस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। एक मेरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम सेटअप किया गया है गुजरात में, जो कि लोथल में होगा। लोथल याद रखना, लोथल एक हमारी एंशियंट साइट भी है मोहनजोदारो से रिलेटेड, तो ये लोथल वहीं पे ये सेटअप किया गया है एज अ मेरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम साइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ अ स्टेप ऑन अ मोटर्स इन अ रॉकेट? ऑप्शन से प्रोवाइड एडिशनल थ्रस्ट टू द रॉकेट एट लॉन्च, दे हेल्प्स टू गाइड द रॉकेट इन एटमोसफियर, दिस आर एटीट्यूड कंट्रोल डिवाइस एंड यूज फॉर स्पेसक्राफ्ट एटीट्यूड कंट्रोल, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द थ्रस्ट कैपेसिटी ड्यूरिंग डिसेंटिंग फेज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रोवाइड एडिशनल थ्रस्ट टू रॉकेट लॉन्च। ड्यूरिंग द क्या होता है कि रॉकेट को लॉन्च करने के टाइम पे स्ट्रेप ऑन बूस्टर आर रॉकेट मोटर्स दैट आर माउंटेड अराउंड द फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉन्च व्हीकल टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा थ्रस्ट एट द लिट ऑफ ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ एसेंट। स्ट्रेम और बूस्टर जो बर्न आउट होता है विल द फर्स्ट स्ट्रे इज स्टिल फायरिंग सेपरेटेड एंड फॉल बैक टू द अर्थ, फॉर दिस रीजन दे आर समटाइम्स रिफर एज द हाफ स्ट्रेट और जीरो स्ट्रेट। इसी कारण से हम इसको हाफ स्ट्रेट या जीरो स्ट्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट, 90-90-90 टारगेट हैज बीन इन यूज फॉर समटाइम्स प्राइमरी रिलेटेड, तो 90-90 टारगेट किससे रिलेटेड? ऑप्शन है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल हेल्थ केयर, ग्लोबल एजुकेशन, ग्लोबल पीस। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्लोबल हेल्थ केयर। बेसिकली ये एक HIV एड्स के रिलेटेड है 1998, जिसमें एक टारगेट रखा गया है जो भी एड्स को एंड करने के लिए बाय 2020 90% ऑफ ऑल पीपल लिविंग विथ HIV विल न्यू देयर HIV स्टेटस। उनको अपने HIV स्टेटस के बारे में पता चलेगा। उसी के साथ जो भी 90% पीपल ऐसे होंगे जिसको डायग्नोस किया जाएगा HIV इन्फेक्शन से विल रिसीव सस्टेनेबल एंटीवायरल थेरेपी, उनको थेरेपी दी जाएगी। प्लस जो भी बाकी के 90% ऑफ ऑल पीपल रिसीविंग, जो भी 90% पीपल है जो भी थेरेपी ले रहे हैं उनको विल हैव टू वायरल सप्रेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच फेस्टिवल स्टेट? सुराई लेली फेस्टिवल आसाम, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, साजी फेस्टिवल उत्तराखंड, किचरी फेस्टिवल उत्तर प्रदेश। तो देखिए ये फेस्टिवल है, ये स्टेट है, तो अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेकेंड एंड फोर्थ। देखिए सूजी जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है मणिपुर में, अगर हम बात करें हॉर्नबिल फेस्टिवल तो नागालैंड सही है, साजी फेस्टिवल उत्तराखंड में नहीं मनाया जाता है, प्लस किचरी फेस्टिवल जो है उत्तर प्रदेश, तो सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड एंड फोर्थ। अगर हम बात करें सूजी फेस्टिवल तो देखिए मणिपुर में मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागा सेलिब्रेट करते हैं, साजी फेस्टिवल जो है वो हिमाचल सेलिब्रेट करता है इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, किचेरी फेस्टिवल इज नोन एज किचेरी इन उत्तर प्रदेश एंड इन्वॉल्व्स इन रिचुअल बाथिंग। विच बीच ऑफ एशिया फर्स्ट टू गेट ब्लू फ्लैग टैग? तो एशिया का कौन सा ऐसा बीच है जिसको ब्लू फ्लैग टैग मिला है? ऑप्शन से चंद्रभागा बीच, कुटा बीच, पातोंग बीच, डी ननोतोबो। जिसका करेक्ट आंसर है चंद्रभागा बीच, ऑप्शन ए। चंद्रभागा बीच जो है वो कोनक कोस्ट में पाया जाता है। फर्स्ट टू कंप्लीट द टेक सर्टिफिकेशन प्रोसेस विल बी द एशिया फर्स्ट टू गेट, इसको मिल चुका है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ब्लू फ्लैग जो प्रोग्राम है ये बीचेस का है, मेरीटाइम प्रोग्राम है जो रन करता है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एंड एजुकेशन FEE। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।